रीवा में इटावा बाईपास पर स्थित सरकारी जमीन पर बने परशुराम आश्रम को प्रशासन ने हटवाने की कार्रवाई की। हालांकि मंदिर तोड़े जाने की मुहिम की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धार्थ तिवारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शासन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रशासन ने 2 घंटे चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार परशुराम आश्रम को तोड़कर जमींदोज कर दिया, बल्कि उनके कब्जे से तकरीबन 13 डिसमिल जमीन अतिक्रमण मुक्त करा ली। आश्रम के महंत स्वामी अखंडानंद महाराज ने शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में जिस तरह मंदिरों मठों को उजाड़ा जा रहा है, इसे देखकर यह लगता है कि यहाँ की सरकार धर्म विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम साधु संत विश्व कल्याण के लिए पूजा पाठ और भगवान की सेवा करते हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, ना ही जमीन का कोई लालच। इस मसले पर कांग्रेस नेता और लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि आश्रम तोड़ने के बजाय अच्छा होता कि इसके लिए ट्रस्ट या समिति का गठन कर दिया गया होता और इसके चेयरमैन कलेक्टर होते और स्थानीय पदाधिकारी कर्मचारी होते। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भी इस काम को धर्म विरोधी बताया। रीवा में परशुराम आश्रम को अतिक्रमण के नाम पर तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार ने धर्म और धर्म प्रेमी जनता के ऊपर आक्रमण किया है। उन्हें क्या जो है अतिक्रमण के नाम पर केवल ऐसे आश्रम ही दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर जो है समाज को ठीक करने की गतिविधियाँ चलती हैं। वहाँ पर जो जिस समय ये तोड़ा गया रीवा में, उस समय वहाँ पर रामधुन चल रही थी और वहाँ पर सारे जो है धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे। सैकड़ों लोग यहाँ से रामवन गमन पथ यात्रा पर जब जाते हैं तो यहाँ पर इस आश्रम में रुकते हैं और यहाँ पर जो है विश्राम करते हैं। कलेक्टर इलिया राजाटी ने बताया कि उक्त मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जबकि आश्रम ने नाम पर वहां 1 इंच जमीन नहीं है। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई थी, जमीन को भी सख्ती के साथ खाली करा लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।